गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए नए कानून आज लागू होंगे 1 जुलाई 2024 से। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होंगे, जिसके सफल क्रियान्वयन हेतु पुलिस अधीक्षक जबलपुर आदित्य प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में जबलपुर पुलिस के समस्त अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। पुलिस कंट्रोल रूम जबलपुर में पुलिस अधीक्षक जबलपुर आदित्य प्रताप सिंह द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सोनाक्षी सक्सेना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध समर वर्मा आदि मौजूद रहे हैं, जहाँ बताया गया कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। नए कानून में अपराधी को उसके लिए सजा मिले इस पर विशेष ध्यान दिया है। कहीं पर भी घटना होने पर परिस्थिति वश कहीं पर भी FIR की सुविधा तथा EFIR का भी प्रावधान रखा गया है। नए कानून में डिजिटल साक्ष्य फॉरेंसिक साक्ष्यों के महत्व को बढ़ावा दिया है एवं समय सीमा को निर्धारित किया है कि कितने समय में विवेचना पूर्ण करके चालान पेश करना है। बच्चों एवं महिलाओं से संबंधित अपराधों में अपराधी को कड़ी सजा का प्रावधान है। बच्चों से आपराधिक गतिविधि कराने पर दुगुनी सजा का प्रावधान है। बार बार अपराध करने वालों पर अधिक दंड का प्रावधान किया है। देश के बाहर भाग जाने वाले अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। जबलपुर ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। सर, नया कानून महाराष्ट्र को लागू होंगे, इसको लेकर हमारे यहाँ लगातार ट्रेनिंग की जा रही है। ये ट्रेनिंग का प्रोसेस चलता रहेगा। अभी तक 100% सभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग हो गई है। आज ट्रेनिंग से जुड़े कुछ एस्पेक्ट्स जो है उसको आज लिया जा रहा है और आज हमारे सभागार में उसकी ट्रेनिंग है और उसकी लगातार चलता रहेगा। और कल सभी थानों में नए जो कानून है उनका जो सेलिब्रेशन किया जाएगा और कल सभी थानों में प्रोग्राम आएगा जिसमें नए कानून के बारे में प्रबुद्ध नागरिक और जनता के लोगों को बताएंगे।